गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास टू के इंग्लिश वन की बुक पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू जो पढ़ाने जा रहे हैं, जिनका नाम है वाटर इज लाइफ। वाटर इज लाइफ का मतलब होता है जल ही जीवन है। चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेल रहे थे। अजय सैड वी आर टायर्ड नाउ, उस समय अजय उदास था और वो थका महसूस कर रहा था। कमना सैड यस नाउ वी शुड गो टू ग्रैनी, और वो सोची कि हम लोग ग्रैनी के पास जाए। सी टेल इंटरेस्टिंग स्टोरी, आनंदपूर्वक कहानी सुनने के लिए। ग्रैनी वॉज एन ओल्ड वोमैन, ग्रैनी एक बूढ़ी औरत थी। हु लिव इन ए लार्ज हाउस एट द एंड ऑफ स्ट्रीट, उसका घर गली के लास्ट साइड में बहुत बड़ा था। वेयर एवरीबॉडी कॉल हर ग्रैनी, प्रत्येक लोग उसे ग्रैनी कर बुलाते थे। सी लिव एलोन, वह अकेले रहती थी। हर सन वॉज वर्किंग एब्रॉड, उनका बेटा वो शहर से दूसरी जगह पे काम करता था। सी हैड ए लार्ज गार्डन इन हर हाउस, उसके घर में एक बहुत बड़ा बगीचा था। When children knocked at the gate, बच्चे लोग उसके गेट मतलब दरवाजे के पास आए। ग्रैनी वॉज वाटरिंग द प्लांट, उस समय वो ग्रैनी वो पौधे पे पानी पटा रही थी। स्माइलिंग, उसने स्माइल किया। सी शुड द वाटर टैप, और वो नल वाटर टैप मतलब नल को बंद की। एंड ओपन द गेट, और वो दरवाज़ा को खोली। सी सैड वेलकम लिटिल चिल्ड्रेन, और बच्चे को स्वागत की घर में। दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्रास, सभी को बोला आप लोग ग्रास मतलब घास पे नीचे बैठ जाए। ग्रैनी डू यू वॉन्ट मी टू टेल योर स्टोरी, क्या आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं। चिल्ड्रेन बच्चे लोग बोला यस ग्रैनी। पिंकी वाई वेयर यू वाटरिंग द प्लांट, पिंकी पूछ रहे थे क्या अब क्यों पानी आप पौधे में पटा रहे हैं। ग्रैनी वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, ग्रैनी बोली पानी मतलब जल जो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल वर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट, और ये जितने भी पक्षी हो जानवर हो और पौधे सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज ए वैन वाटर गेट वाटर, वैन प्लांट गेट वाटर मतलब कुछ रहा पौधा इसका किस तरह से इस्तेमाल करता है। दे ग्रो एंड गिव अस फूड, तो वो बता रहे ये पौधे बढ़ने में और वो अपना भोजन को तैयार करते हैं पानी से। ग्रैनी गुड, अच्छी बात है। एज आई बिफोर, इससे पहले बोला आई टेल यू ए स्टोरी, स्टोरी से पहले उसने पूछा टेल मी नाउ हाउ मच यू नाउ अबाउट वाटर, क्या आप इस पानी के बारे में अत्यधिक जानते हैं। वाई डू वी नीड वाटर, तो बताइए पानी क्यों ज़रूरी है। तो पिंकी बोले वाट वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो है हम लोगों को पीने के लिए ज़रूरी है। उमेश वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ एंड फ्लोर, पानी जो है वो कपड़े धोने और फ्लोर छत को धोने के लिए ज़रूरी होता है। उसका कामना वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसियल, और पानी जो है वो बर्तन धोने के लिए यूज होता है। जया वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, पानी जो है वो खाना बनाने के लिए यूज होता है। दीपक वी नीड वाटर ऑन होली, पानी का इस्तेमाल होली में भी यूज किया जाता है। एवरीबॉडी लगेज लाउडली, प्रत्येक लोग जोर जोर से हंसने लगे। ग्रैनी गुड चिल्ड्रेन, अच्छी बात है बच्चे। नाउ टेल मी, और मैं कुछ कह रहा हूँ, वी वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम, मतलब ये बताओ पानी कहाँ से आता है। पिंकी वी गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, पानी वो नदी से आता है। एज ए वी गेट वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पानी वो तालाब से आता है। कामना वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन, पानी जो है वो बरसात से आता है। ग्रैनी एंड वेयर एल्स डू वी गेट वाटर फ्रॉम, और इसके अलावा पानी कहाँ कहाँ से आता है। दीपक वी गेट वाटर फ्रॉम द वाटर टैप, इसके अलावा पानी वो वाटर टैप का चापाकल से आता है, नल से आता है। एवरीबॉडी लगे, प्रत्येक लोग हंसने लगे। ग्रैनी गुड चिल्ड्रेन, अच्छे बच्चे। यू नाउ मच अबाउट वाटर, आप ये पानी के बारे में कुछ बताओ। वेयर डू वी स्टोर वाटर, पानी को हम लोग किस तरह से स्टोर मतलब इकट्ठा करते हैं। कामना वी स्टोर वाटर इन द बॉकेट, पानी को हम लोग बाल्टी में इस्तेमाल करते हैं। एज ए वी स्टोर वाटर इन द वाटर टैंक, हम लोग पानी को वाटर टैंक मतलब सेंटेक में इकट्ठा करते हैं। पिंकी वी स्टोर वाटर इन द पिक चेक, मतलब पानी को हम लोग घर में या मटकी में स्टोर करते इकट्ठा करते हैं। ग्रैनी एंड
वेयर एल्स डू वी स्टोर वाटर, और इसके अलावा किस किस चीज़ में पानी को हम स्टोर कर इकट्ठा करते हैं। दीपक, वी स्टोर वाटर इन वाटर बोतल, हम लोग पानी को वाटर बोतल में थर्मस में वी स्टोर करते हैं। एवरीबडी लगेज एंड क्लैप इट, प्रत्येक लोग हंसने लगे और क्लैपिंग ताली मारने लगे। सो ग्रैनी, गुड, अच्छी बात है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, और इनको हम लोगों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नॉट नाउ आई टेल यू द स्टोरी ऑफ सेंट्रिला, ये कहानी बहुत ही अच्छी था सेंट्रिला। उसके बाद आप लोगों का इस तरह से चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अब वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2। से पहले आप लोग वर्ड मीनिंग को घर पे अच्छे से याद करिएगा, और इसमें सब वर्कशीट कंप्लीट करें। सबमिटिव असाइनमेंट, मतलब इसमें लिखा ए में टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए, उसमें जो करेक्ट जो सही है उसमें टिक अप करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। ऑप्शन ए पार्क, ऑप्शन बी स्ट्रेट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट। कहाँ बच्चे लोग खेल रहे थे, तो स्ट्रेट गली में खेल रहे थे, स्ट्रेट इसमें टिक अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एंड ओल्ड मैन, बूढ़ी औरत कौन थी। ग्रैनी, ग्रैंडपा, मदर, तो ग्रैनी, ऑप्शन ए में टिक अप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ एंड फ्लोर, वी नीड हम लोगों क्या चीज़ का इस्तेमाल कपड़े धोने और फ्लोर को साफ करने में होता है। फूड का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, वाटर ऑप्शन सी वाटर, वाटर में टिकअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 में एवरीबॉडी एंड क्लैप इट, एवरीबॉडी एंड क्लैप इट, प्रत्येक लोग क्या क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सूटेड, ऑप्शन बी लगेज, ऑप्शन सी क्राइड, लगेज, बस प्रत्येक लोग हंस रहे थे। आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली, क्वेश्चन इसका ओरली करेंगे। सबसे फर्स्ट में वेयर डू वी गेट वाटर इन योर हाउस फ्रॉम, हम लोगों को पानी घर में कहाँ से आता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डू यू स्टोर वाटर इन योर हाउस, हम लोग घर में पानी कहाँ पे इकट्ठा करते हैं। हाउ डू यू यूज वाटर इन योर हाउस, हम लोग पानी घर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी वाटर टैप डू यू हैव इन योर हाउस, हम लोगों के घर में वाटर टैप कितना है, चापाकल या नलका कितना है, वो जितना है इसमें। इस तरह से ओरली का आप लोगों का क्वेश्चन ये हो गया। और क्वेश्चन सी, इसमें आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन, इसमें लिखा हो सब फर्स्ट में हु वाज ग्रैनी, ग्रैनी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज ग्रैनी डूइंग व्हेन चिल्ड्रन वेंट टू हर हाउस, बच्चे के आने से पहले ग्रैनी क्या कर रही थी। सी व्हाट डू चिल्ड्रन गो टू ग्रैनी, बच्चे ग्रैनी के घर क्यों गए थे। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट वेस्ट वाटर, पानी को हम लोगों को बर्बाद नहीं करनी चाहिए क्यों। फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड में लिखे हुए बॉकेट, वाटर टैंक, पिक्चरेट, बोतल इटीसी। इसके अलावा भी उसका 3 में ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग इटीसी। उसके बाद 4 में 1। इस तरह से आप लोगों का ओरली क्वेश्चन आंसर है। अब इस तरह से आप लोगों का अब सी का आंसर यहाँ लिखे हुए हैं। आंसर सी का फर्स्ट, ग्रैनी वाज एंड ओल्ड मैन, ग्रैनी एक बूढ़ी औरत थी, ये आंसर हो गया। आंसर नंबर 2, ग्रैनी वाज वाटरिंग द प्लांट, ग्रैनी वो पौधे में पानी पटा रही थी, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर, चिल्ड्रन गो टू ग्रैनी टू लिसन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बच्चे लोग ग्रैनी के घर आनंदपूर्वक कहानी सुनने के लिए गए थे। आंसर नंबर 4, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर सो वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम लोगों को पानी को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आंसर नंबर 4 इसी का हो चुका। करेंगे हम लोग वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। बी, टिक द फूड दैट वी कुक यूजिंग वाटर, कौन सा भोजन है जिसमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं उसमें टिकअप करेंगे। पानी से जो बनता है भोजन इसमें टिकअप करेंगे। क्या बनता है, राइस, चावल बनता है, इसमें टिकअप करेंगे। केक वाटर का इस्तेमाल होता है इसमें, इसको भी टिकअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, टिक द एक्टिविटी दैट नीड वाटर, इसमें कौन सा एक्टिविटी है जो पानी के द्वारा यूज किया जाता है। जो इसमें ड्रिंकिंग वाटर टिक आउट करेंगे, वाथिंग वाटर नहाने में इस्तेमाल किया इसको टिकअप करेंगे, वॉशिंग इसमें टिकअप करेंगे। ये सब में वाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये सब में टिकअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम लोग। एफ में लिखा हुआ है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, इस वर्ड में रॉन्ग गलत लिखा हुआ है, नीचे में इसको सही से लिखना है।
एसचे लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ, इसको हम लिखेंगे, सही से लिखेंगे इसको एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। इस तरह से ये हाउस का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको सही से लिखेंगे हम लोग हाउस लिखेंगे। गेट का स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको गेट को सही से लिखेंगे। फ्यूड का स्पेलिंग गलत सही लिखेंगे, फ्लोर का गलत है इसको सही लिखेंगे, वेटल का गलत इसको सही लिखेंगे। ये सब एक लिख दिए हैं, बाकी आप लोग घर पे खुद से लिखिएगा इनको। नेक्स्ट में एवरी सेंटेंस बिगिनिंग विद ए कैपिटल लेटर, प्रत्येक शब्द में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना। री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, उसको री राइट मतलब उसको फिर से लिखना है। हर वाक्य बड़े अक्षर से शुरू होता है, निम्नलिखित वाक्य को बड़े अक्षरों की सहायता से दोबारा निम्नलिखित खोलिए। इसमें एक जैसे लिखा हुआ एक मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ स्मॉल लेटर गुड, ये तो स्मॉल लेटर, इसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे गुड। वाई डू नॉट चिल्ड्रन विथ वन अनदर, अनदर इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी ये स्मॉल लिखा है इसको आप लोग कैपिटल लेटर में खुद से घर पर लिखिएगा। ये पूरे टेंथ तक आप इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट में मैच द वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन, इस वर्ड को मिलाना है इसमें। से एक गर्ल्स इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसको मिलाना, एक गर्ल्स इज इसमें मिला के प्लेइंग इन द गार्डन। इस तरह से वी आर, दे आर, क्या, ही इज या आई एम, जो उसमें आपको खुद से मिलाना। और नेक्स्ट में ट्यू में रीड दिस वर्ड, से अटेंशन टू देयर स्पेलिंग, इस वर्ड को खुद से पढ़ना और स्पेलिंग को अच्छे से याद करना। सब ब्यूटीफुल स्टोरी प्लांट कुकिंग बोतल रैम, इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग घर पे उसको अच्छे से रिवाइज करिए, याद करिएगा और फिर कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।